हेलो एवरीवन वंस अगेन अ वेरी वर्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन निम्बस आज के अपने इस लेक्चर सीरीज में हम लोग बात करेंगे विंडोज पर पर वेंटिलेटर्स पर और टाइप्स टाइप्स ऑफ ऑफ विंडोज पर या पर या वेंटिलेटर बात करेंगे और इनका डेजिग्नेशन किस प्रकार किया जाता है अपने इस लेक्चर सीरीज में हम इस पर भी बात करेंगे जहां तक संभव हो अधिकतम लोगों तक ये लेक्चर पहुंचा लीजिए शेयर कर लीजिए ताकि जो लोग आज जी बी का पेपर दे रहे हैं अगर वो अपने पेपर से खाली हो चुके हो तो इन पर भी थोड़ी चर्चा कर ली जाए ठीक है तो चलिए, तो आज अपनी शुरू करते हैं से से सर? कि क्या मामला है वॉट इज इज विंडो तो आपने बताया था कि एयर के सर्कुलेशन के लिए किसी बिल्डिंग में किसी कमरे में एयर के इंट्रेंस के लिए या लाइट के इंट्रेंस के लिए या दोनों के एंट्रेंस के लिए हम जो अरेंजमेंट बना रखते हैं उन्हीं अरेंजमेंट को विंडो या वेंटिलेटर कहते हैं विंडो या वेंटिलेटर कहते हैं यानी विंडो और वेंटिलेटर में कोई अंतर नहीं है सर आ? इन दोनों का फंक्शन सेम है लेकिन इन दोनों की पोजीशन में अंतर होता है इन दोनों की पोजीशन में अंतर होता है वो पोजीशन में अंतर क्या है सर मान लीजिए कि आपका कोई कमरा है आ? इस कमरे की सिलेबल कहीं यहां है मैं ऐसे थोड़ा सा बना रहा हूं ये आपका ग्राउंड लेवल अच्छा इस कमरे का स्लैब लेवल यहां है दिस इज़ द स्लैब लेवल हाँ जी आप ये देख रहे हो अच्छा तो स्लैब लेवल के नीचे इधर देखिए ग्राउंड लेवल से कितने ऊपर सर ग्राउंड लेवल से कितने ऊपर अगर ग्राउंड लेवल से बात की जाए तो ग्राउंड लेवल से हाँ साठ से नब्बे कितना सिक्सटी टू नाइनटी सेंटीमीटर ऊपर अगर ये अरेंजमेंट हम प्रोवाइड करते हैं तभी इस अरेंजमेंट का नाम होता है विंडो क्या नाम होता है विंडो लेकिन अगर स्लैब लेवल से कहां से स्लैब लेवल से बात ध्यान से सुन लीजिएगा अगर स्लैब लेवल से कहां से स्लैब लेवल से नीचे यहां हम ये अरेंजमेंट प्रोवाइड करते हैं यानी स्लैब लेवल से कितना नीचे सर 30 से 50 सेंटीमीटर कितना 30 से

करते हैं विथ विजुअल्स आज इन्हीं पर बात होगी तो सिंपली हमने आपसे कहा कि सर ऐसा है कि जब किसी बिल्डिंग में लेवल से से 90 सेंटीमीटर ऊपर अगर हम कोई ऐसा अरेंजमेंट प्रोवाइड करते हैं जो एयर के सर्कुलेशन के लिए या फिर लाइट और एयर दोनों के सर्कुलेशन के लिए या लाइट के एंट्रेंस के लिए प्रोवाइड करते हैं तो आप इस तरह के अरेंजमेंट को विंडो नाम देते हैं लेकिन वेंटिलेटर का भी तो काम यही होता है सर लेकिन इसकी पोजीशन पोजीशन अलग अलग होती है। क्या अलग होती है है क्या स्लैब लेवल से कितना स्लैब स्लैब लेवल लेवल से 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 अगर बात की जाए तो पचास सेंटीमीटर से नीचे अगर आप ये तरह का अरेंजमेंट प्रोवाइड करते हैं तब आप इस अरेंजमेंट को क्या नाम देते हैं वेंटिलेटर नाम देते हैं क्या नाम देते हैं वेंटिलेटर नाम देते हैं तो इतना तो समझ में आ गया कि व्हाट इज वेंटिलेटर और व्हाट इज विंडो अब बात करें दूसरी बात पर तो विंडो की बात कर रहे थे तो मैंने आपको यह बता दिया कि विंडो की सिल जो है फ्लोर लेवल से कितना 90 से या 60 से 90 सेंटीमीटर ऊपर होता है अब दूसरी चर्चा यह आती है कि किसी बिल्डिंग में कितने ज्यादा एरिया या कितना एरिया वॉल का कितना एरिया भाई वॉल का कितना एरिया कोई विंडो या कोई वेंटिलेटर या कोई डोर विंडो वेंटिलेटर इन तीनों को एक टर्म में बोलते हैं आप ज्वाइनरी क्या बोलते हैं ज्वाइनरी और ये ज्वाइनरी में कितना ज्यादा आ, एरिया कवर करना चाहिए इसके बारे में चर्चा होती है तो ये बिल्डिंग बायलॉज के कुछ रूल हैं जैसे रेजिडेंशियल बिल्डिंग हो कैसी बिल्डिंग हो रेजिडेंशियल बिल्डिंग हो तो खिड़की का कुल क्षेत्रफल इसमें खिड़की का फ्रेम शटर सब इंक्लूडेड है आ, ये खिड़की का कुल क्षेत्रफल फ्लोर एरिया होगा उसका एक बटा कितना तो दूसरी बात करते हैं सर सेकंड बात करते हैं सेकंड बात है दरवाजे और खिड़की का इन दोनों का यानी डोर और विंडो दोनों का मिलाकर अगर देखा जाए कि ये दोनों मिलकर वॉल का कितना एरिया कवर कर रहे हैं तो वह एरिया फ्लोर एरिया का वन बाई फोर्थ टाइम कितना

ठीक है दूसरी बात करते हैं अच्छा नेक्स्ट बात बाथरूम एंड टॉयलेट में लगी खिड़कियों का कुल क्षेत्रफल अरे बाथरूम और टॉयलेट में खिड़कियों का एरिया हम कम लेकर चलते हैं कितना लेकर चलेंगे सर फ्लोर एरिया का दस परसेंट फ्लोर एरिया दस परसेंट तो आई होप अब आपको ये समझ में आने लगी होगी बात कि किसी भी रेजिडेंशियल बिल्डिंग में किसी भी रेजिडेंशियल बिल्डिंग में हम आप कितना प्रोवाइड करते हैं किसका एरिया डोर का या डोर और विंडो दोनों का या फिर वेंटिलेटर का एरिया कितना प्रोवाइड करते हैं समझ गए अच्छा तो नेक्स्ट बात पर बात करते हैं सर अगर कोई फैक्ट्री वगैरह है तो वहां पर या ऑफिस है तो इनके लिए टोटल एरिया जो विंडो का लेकर चलते हैं कितना लेकर चलते हैं अगर फैक्ट्री है या ऑफिस है तो भैया फ्लोर एरिया का पंद्रह से बीस परसेंट भाग हाँ या फ्लोर एरिया का पंद्रह से बीस परसेंट निकाल लीजिएगा या पंद्रह से बीस परसेंट जो फ्लोर एरिया का है ना इतना ही एरिया वॉल पर कोई विंडो कवर करनी चाहिए यानी वॉल का पंद्रह से बीस परसेंट ऐसे समझ लो वॉल का कितना एरिया कोई विंडो कवर करनी चाहिए ऑफिस या फैक्ट्री में फ्लोर एरिया का 15 से 20 परसेंट ठीक है इतना ही कवर करना चाहिए अच्छा हॉस्पिटल एंड स्कूल के लिए हॉस्पिटल एंड स्कूल के लिए तो इनके लिए ये बात किया जाए तो टोटल विंडो का एरिया फ्लोर एरिया का बीस परसेंट लेते हैं कितना लेते हैं बीस परसेंट लेते हैं ठीक है आप लोग ये बिल्डिंग बायलॉज जरूर जानते रहे होंगे पहले से जानते रहे होंगे मैंने तो बस आपको ये समझाने का प्रयास किया है अब विंडो के कितने कंपोनेंट्स होते हैं अगर कंपोनेंट्स की बात करो तो विंडो के भी दो ही कंपोनेंट होते हैं एक तो होता है चौखट या फ्रेम और दूसरा वही सटर या लीफ सटर या लीफ यही दो ही कंपोनेंट इनके भी होते हैं अच्छा तो दो कंपोनेंट होते हैं तो हम जानना चाहेंगे कि अब विंडो कितने टाइप की होती है विंडो को देखो दो स्थितियों में हम बात करते हैं कि विंडो कितने प्रकार की होती है एक तो लगाए जाने की स्थिति पर बात करेंगे कि विंडो की पोजीशन के हिसाब से बात करेंगे कि विंडो कितने प्रकार की होती है एक तो मैंने आपको बताया कि छत में लगाई जाने वाली विंडो, चार प्रकार की होंगी पहले डॉर्मर विंडो होगी फिर दूसरा स्काईलाइट तीसरा रिज वेंटिलेटर और चौथा लैंटर्न विंडो ये चार प्रकार के विंडो देखने को मिलेंगे जिनको हम छतों में लगाते हैं जनरली हम छत पर इन्हें लगाते हैं छत में लगाते हैं अच्छा चाहे वो स्लोपी रूफ हो चाहे वो फ्लैट रूफ हो चाहे कर्व रूफ हो ये चार प्रकार की ही विंडो सामान्य तौर पर हम आप क्या करते हैं छतों में लगाते हैं छतों में इनका अरेंजमेंट प्रोवाइड करते हैं ठीक है अच्छा नेक्स्ट बात कर लेते हैं सर नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि दीवार में जो हम क्या लगाते हैं वॉल में जो विंडो अरेंजमेंट प्रोवाइड करते हैं वो कितने प्रकार की होती है तो वॉल में प्रोवाइड की जाने वाली विंडो अगर इनकी बात करो तो इनका सबसे सिंपल फॉर्म जो सबसे ज्यादा वाइडली हमारे आपके घरों में देखने को मिलता है इसे बोलते हैं कैसमेंट विंडो क्या बोलते हैं कैसमेंट विंडो दूसरा है फैन लाइट विंडो कौन सा फैन लाइट अच्छा तीसरा अगर बात करिए थर्ड वन आ? तो ये तीसरा कौन सा पाइवोटेड या रिवॉल्विंग विंडो अच्छा चौथे की बात कर लो सर गेबल विंडो कौन सा गेबल विंडो हाँ और भी पांचवें की बात करो तो बे आर प्रोजेक्टेड विंडो छठे की बात करो कॉर्नर विंडो और सातवां बात करो तो लावर्ड विंडो क्या नाम है इसका लावर्ड विंडो इतने प्रकार के विंडो हमें आपको देखने को हा? इतने प्रकार के विंडो हमें आपको देखने को मिलते हैं छत पर विंडो नहीं देखते हैं सर अरे प्रियदर्शन कुमार छत पर भी विंडो होती है अभी दिखाएंगे आपको तब आपको समझ में आएगा कि छतों पर भी हम खिड़की प्रोवाइड करते हैं ठीक है चलो तो दूसरी बात करते हैं हम्म दूसरी बात करते हैं इन विंडोज़ को थोड़ा हम समझना चाहेंगे सबसे सरलतम रूप जो सबसे ज्यादा यूज होता है यह पब्लिक बिल्डिंग्स में रेजिडेंशियल या पब्लिक बिल्डिंग्स में, में, में बड़े पैमाने पर बड़े पैमाने पर बात करूंगा बड़े पैमाने पर यही खिड़की लगाई जाती है मतलब जनरली हम आप यही विंडो इस्तेमाल करते हैं आपने अपने घरों में यही देखा होगा अच्छा ये साधारण दरवाजे की भांति होती है मतलब जैसा जनरल डोर दिखता है डोर के जितने कंपोनेंट होते हैं लगभग ही कंपोनेंट इसमें भी होता है जिसमें हम क्या करते हैं सर जिसमें एक तो चौखट तो होगा ही यानी फ्रेम ये फ्रेम फ्रेम को वॉल से फिट कर देंगे और इस वॉल के साथ इस शटर को फिट कर देंगे अच्छा तो इतनी ही बात है हाँ सबसे ज्यादा यही विंडो आप इस्तेमाल करते हुए देखते हैं सबसे ज्यादा यही विंडो इस्तेमाल होती है ठीक है चलो तो आई होप कि आपको ये समझ में आने लगा होगा कि केसमेंट विंडो क्या है और ये किस प्रकार हम आप देखते हैं हमारे आपके घरों में जो सामान्यतः खिड़की हम आप प्रोवाइड करते हैं वो केसमेंट विंडो का ही एक प्रकार है या यही प्रकार हम जनरली इस्तेमाल करते हैं अच्छा दूसरी बात आती है सेकंड बात कौन सी पाइवोटेड विंडो की किसकी बात आती है पाइवोटेड विंडो की आपने देखा होगा हां कि जो इंस्पेक्शन रूम्स होते हैं या केबिन्स वगैरह होते हैं इनमें इस तरह की खिड़की प्रोवाइड करते हैं इनमें इस तरह की खिड़की प्रोवाइड करते हैं इसे बोलते हैं पाइवोटेड या रिवॉल्विंग विंडो क्या बोलते हैं पाइवोटेड या रिवॉल्विंग विंडो आपने इस तरह की खिड़की जनरली देखी होगी अच्छा तो ये खिड़की पाइवोटेड या रिवॉल्विंग विंडो कहलाती है अब इसमें दो बातें हैं इसमें दो बातें हैं एक तो ये पाइवोटेड विंडो हॉरिजेंटल कर सकती है रिवॉल्व कर सकती है या वर्टिकल पोजीशन में भी रिवॉल्व कर सकती है ये दोनों दशाओं में बनाई जाती है और जनरली इसका यूज कहां करते हैं सर हम इसको बनाते हैं इंस्पेक्शन रूम्स में में इन जगहों पर हम इनको बनाते हैं ठीक है रामायण यादव न्यूज स्टूडेंट बिल्कुल भाई स्वागत है आपका चलिए नेक्स्ट पर बात करते हैं अगला देखते हैं कि सर अगली विंडो कौन सी है एक बात याद रखिएगा इस पाइवोटेड विंडो में फ्रेम को हमने दीवाल के साथ ऐसे फ्रेम को अटैच कर दिया है अच्छा इन्हीं में हमने दो पिन अरेंजमेंट पर सटर को क्या कर दिया है वर्टिकल प्लेन में घूमने के लिए फ्रीली छोड़ दिया है हिंज से अरेंज कर दिया है, ये रोटेट कर सकती है जब आप चाहें तब ठीक है अच्छा इनका दूसरा रूप भी देखने को मिलता है कौन सा ये वाला और ये वाला दो तरह के ये देखने को मिलेंगे मैंने आपको दोनों यहाँ पर बता रखे हैं एक तो पहला बताया जो वर्टिकल प्लेन में घूम सकती है और दूसरा जो बताया वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूम सकती है मैंने यहाँ एक ही आपको डेफिनेशन में बताई है कि तो वर्टिकल प्लेन में जो घूम सके उसी के बारे में मैंने आपको बताया है ठीक है अच्छा भाई आप लोग के कमेंट बहुत कम आ रहे हैं क्या बात है भाई आप लोग लेक्चर सेशन को एंजॉय नहीं कर पा रहे या समझ नहीं पा रहे हैं नेक्स्ट विंडो जो देखने को मिलती है हमें इस विंडो को बोलते हैं वे विंडो क्या बोलते हैं वे विंडो अब आपने ये खिड़की देखी होगी कि सर दीवार के बाहर निकली हुई है थोड़ा देखिए दीवाल के लेवल से क्या है ये खिड़की बाहर की तरफ निकली हुई है दीवाल की तरफ से बाहर निकली हुई है ये खिड़की तो हम समझ नहीं पा रहे हैं कि सर ये मामला क्या है हाँ ये खिड़की देखें दीवाल के लेवल से थोड़ा सा बाहर निकली हुई है इस खिड़की को बोलते हैं बेविंडो हाँ अगर इनकी बात करो तो सर ये कितना बाहर निकली होगी ये बाहर निकले हुए भाग का जो प्रोजेक्शन होगा इसका एंगल कितना बनता है हॉरिजेंटल के साथ 60 डिग्री मतलब अगर इसकी एंगल की बात की जाए तो हॉरिजेंटल के साथ ये कितने एंगल बनाएंगे सर ये जो प्रोजेक्शन निकला हुआ है हॉरिजेंटल कितने का एंगल बनाएगा सिक्सटी डिग्री का एंगल बनाएगा आप यहां से एंगल ये देख सकते हैं ठीक है अच्छा बीस में मामला ये है कि जो हम बे विंडो बनाते हैं आखिर बनाते क्यों है ऐसी विंडो इसका फायदा क्या है या इसका नुकसान क्या है तो फायदा की अगर बात की जाए इसके फायदे की बात की जाए अभिषेक कुमार पीडीएफ नहीं मिला ठीक है ठीक है क्या कह रहे थे भाई वे विंडो की बात करें या इसे प्रोजेक्टेड विंडो कहा जाता है प्रोजेक्टेड क्यों कहा जाता है क्योंकि नॉर्मल लेवल से जो है ये नॉर्मल वॉल लेवल से बाहर की तरफ ऐसे उभार दिखा के बनाई जाती है क्यों बनाते हैं ऐसा विंडो जब किसी कमरे में जब किसी कमरे में सामान्य खिड़की की तुलना में जितना प्रकाश या जितनी लाइट आप कहें या जितनी एयर का सर्कुलेशन नॉर्मल विंडो केसमेंट विंडो करा सकती है और हमें उससे ज्यादा की रिक्वायरमेंट हो तब हम ऐसी विंडो का फॉर्मेशन करते हैं ऐसी विंडो का निर्माण हम तभी करते हैं इसमें क्या है सर लाइट जो है लाइट और एयर ये जो है तीन तरह से क्या, कर सकते हैं? तीन तरफ से क्या कर सकते हैं इंटर कर सकते हैं तीन तरफ से इंटर कर सकते हैं और तीन तरफ से इंटर करेंगे तो सर जाहिर सी बात है यानी तीनों दिशाओं से इसमें क्या हो सकता है लाइट का इंट्रेंस हो सकता है एयर का सर्कुलेशन हो सकता है तो सामान्य दशा में जो खिड़की बनाते हैं ना उस खिड़की से ज्यादा हवा प्रकाश जब कमरे में प्रवेश कराना हो तब हम इस तरह की विंडो का प्रयोग करते हैं इसे विंडो विंडो या प्रोजेक्टेड कहते हैं अच्छा तो कहा बनाएंगे इंस्पेक्शन रूम में किसी अधिकारी के कमरे में ताकि वो इंस्पेक्ट कर सके आसपास देख सके बाहर का ओपनिंग व्यू ज्यादा बेटर मिलता है तब हम इस तरह की खिड़की का निर्माण करते हैं साथ में ऐसी जगहों पर जनरल कमरों में जहां पर एयर का सर्कुलेशन ज्यादा रिक्वायर्ड होता है ठीक है ज्यादा रिक्वायर्ड होता है हम वहां पर हाँ व्हाट्सएप ठीक है चलो तो जहां पर ऐसी जरूरत होती है वहां पर हम आप ये काम करते हैं ठीक है अच्छा नेक्स्ट बात अब कर लेते हैं नेक्स्ट बात कर लेते हैं सर नेक्स्ट बात क्या है सर आप याद रखिए इनकी डायमेंशन इनकी डायमेंशन के बारे में मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि इनके द्वारा ढका गया कुल क्षेत्रफल फ्लोर एरिया का वन बाई एट से ज्यादा नहीं होना चाहिए रेजिडेंशियल बिल्डिंग में यानी साढ़े बारह परसेंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए यह सारा क्राइटेरिया मैंने पीछे बता दिया है अच्छा डायमेंशन पर और चर्चा थोड़ी देर में करेंगे ठीक है नेक्स्ट बात यहां करते हैं अगली विंडो देखें अगर तो इस विंडो को बोलते हैं कॉर्नर विंडो क्या बोलते, है? विंडो बोलते हैं अच्छा, कॉर्नर क्यों है? बनाते हैं लेकिन थोड़ी देर बाद सूरज उस तरफ चला जाएगा तो लाइट का क्या हो जाएगा हिंड्रेंस हो जाएगा या लाइट आसानी से घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी मान लो अभी तरफ था तो लाइट प्रवेश थी लेकिन यही सूरज घूम के थोड़ी देर बाद इधर चला जाएगा और अगर इधर ये बंद होता तो कमरे में लाइट का प्रवेश प्रॉपरली नहीं हो पाता ऐसा हो इसके लिए हम क्या करते हैं, का करते हैं। किसका करते है? का, है? फायदा तो मैंने यहां लिख रखा है कि यह खिड़की दो दीवारों के संगम पर मीटिंग पॉइंट पर लगाते हैं ताकि दोनों दिशाओं से एयर और लाइट कमरे में प्रवेश कर सके इस तरह की खिड़की वहीं पर लगाते हैं जहां पर आपके हा? सन की पोजिशन जो है इसके चेंज होने से कमरे में आने वाली लाइट हिंडर्ड होने लगती है तब हम ऐसी तरह की स्थिति पैदा करते हैं ठीक है नेक्स्ट बात करते हैं सर अगले खिड़की की चर्चा करते हैं अगली खिड़की ये आप लोग ने जरूर देखी होगी आप जहां रहते होंगे सामान्य तौर पर अपने घरों में भी देखी होगी कभी कभी हम करते क्या है दरवाजे के जस्ट ऊपर ये दरवाजा आपका ये पोजीशन दिख रहा है इसके जस्ट ऊपर ऐसे खिड़की बना रखे हैं आपने दरवाजे के जस्ट ऊपर आपने ये खिड़की बना रखी है इस खिड़की को बोलते हैं इस खिड़की को बोलते हैं फैन लाइट विंडो क्या बोलते हैं फैन लाइट विंडो अब इसका फायदा क्या है में या ऐसे कमरों में हम फैन लाइट विंडो प्रोवाइड करते हैं जनरली जहां पर क्या हो सर आ? आपके कमरे का दरवाजा किसी ऐसे गैलरी में खुल रहा हो आ? लंबी सी गैलरी में खुल रहा हो और साथ में आपके लंबी सी गैलरी में खुल रहा और वो गैलरी कहीं जाकर आउटलेट में खुल रही हो तब ऐसी दशा में हम इस तरह की विंडो प्रोवाइड करते हैं तब ऐसी दशा में हम ऐसी विंडो प्रोवाइड करते हैं ठीक है अच्छा अब कहानी पर आते हैं कि सर ये खिड़की का फायदा क्या है आपने देखा होगा कि आपके घर में ऐसे दरवाजा लगा है सर दरवाजे के ठीक ऊपर यह खिड़की ऐसे लगाई जाती है हाँ ये खिड़की यहाँ अपने विंडो प्रोवाइड कर रखी है दरवाजे के ठीक ऊपर दरवाजे वाली फ्रेम में ही ये खिड़की का भी फ्रेम बना बनाया आता है तो आपने देखा होगा कि सर दरवाजा ये दिखाई दे रहा है लेकिन खिड़की हमारी इस पोर्शन में खिड़की दिखाई देती अगर इसकी स्थिति देखें आप तो यह स्थिति आपके कमरे में लगे फैन के लेबल के लगभग आसपास होती है इसीलिए आप इसका नाम देते हैं फैन लाइट विंडो क्या नाम देते हैं फैन लाइट विंडो और ये फैन लाइट विंडो केवल उन्हीं घरों में प्रोवाइड करते हैं यही उन्हीं मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में प्रोवाइड करते हैं जहां कमरे का ओपनिंग किसी लॉन्ग गैलरी में हो रहा हो और वो गैलरी जाकर किसी आउटलेट में बाहर ओपन एटमोस्फियर में खुल रही हो ठीक है ओपन एटमोस्फियर में खुल रही है ठीक है भाई तभी ऐसा हम प्रोवाइड करते हैं तो ये इनकी एक खास बात है इसीलिए इनका नाम क्या रखा जाता है फैन लाइट विंडो क्या नाम रखते हैं फैन लाइट विंडो ठीक है भाई अच्छा थोड़ा सा एक काम कर लीजिए भाई शशि गुंजन देव सेशन को शेयर कर लीजिए और अधिकतम लोगों तक पहुंचा लीजिए ता, ताकि आज जितने भी टाइप के खिड़कियां हैं इन पर बात कर सके हम हम्म अब चलते हैं इधर अगला है गेबल विंडो कौन सा गेबल विंडो अब आप लोगों ने लवर्ड विंडो और लवर्ड डोर आपने पढ़ा होगा अभी आपके डी डिप्रेस भी में आया भी था ठीक है चलिए तो यहां आते हैं सर गेबल विंडो पे गेबल विंडो का मामला ऐसा है जब हम स्लोपी रूफ बनाते हैं कभी क्या बनाते हैं स्लोपी रूफ यानी इस रूफ को क्या नाम देते हैं सर आप क्या नाम देते हैं अ गेबल गेबल रूफ नाम देते हैं क्या नाम देते हैं गेबल रूफ अच्छा ये गेबल कौन है जब आप स्लोपी रूफ बनाते हैं तो इधर देखिए स्लोपी रूफ में ये जो पोर्शन दिख रहा है ये दीवाल का ये ट्राइंगर पोर्शन गेबल इंड के नाम से जाना जाता है किसके नाम से जाना जाता है गेबल इंड के नाम से जाना जाता है और इसी गेबल इंड में लगी खिड़की ये खिड़की इसे गेबल विंडो बोलते हैं क्या बोलते हैं गेबल विंडो अच्छा जब हम स्लोपी रूफ बनाते हैं क्या बनाते हैं स्लोपी रूफ बनाते हैं अंशिका मिश्रा गुड इवनिंग सर अरे क्या बात है ठीक है चलिए तो यहाँ बात करते हैं आ, क्या कह रहे थे सर कि मामला हमारा आपका ऐसा चलता है कि जब हम क्या करते हैं हम स्लोपी रूप बनाते हैं गेबल रूफ स्लोपी रूप के कई प्रकार होते हैं पहला लीन टू या वरंदा रूप दूसरा गेबल आ, अगला देखें गैम्ब्रेल डेक कई सारे नाम है उनके लेकिन उनमें एक रूफ कौन सा आता है गेबल रूफ आता है कौन सा रूफ आता है गेबल रूफ आता है और अगर उस रूफ की बात करें अगर उस रूफ की बात करें हम तो हम सिंपली कह सकते हैं कि सर ऐसा है कि जब हम ऐसा रूप बनाएंगे तो सर ये जो ट्राइंगर पोर्शन दिख रहा है वॉल का ये पोर्शन पोर्शन इस पौर्षन को बोलते हैं गेबल इंड क्या बोलते हैं गेबल इंड बोलते हैं और इस गेबल इंड में लगी ये खिड़की गेबल विंडो के नाम से जानी जाती है किसके नाम से जानी जाएगी गेबल विंडो के नाम से जानी जाती अच्छा तो सिंपली मैंने बता रखी क्या कहा कि भाई स्लोपी रूफ के इंड वॉल कि ट्राइंगुलर पोर्शन में लगी खिड़की इसी को हम गेबल विंडो कहते हैं इसी को हम क्या कहते हैं गेबल विंडो कहते हैं अच्छा तो भाई आपने रूफ कई सारे पढ़ रखे होंगे और इनमें ऐसा ही मामला है अब आप यहां देखें सर तो ये आपका वॉल है अच्छा ये स्लोपी रूफ है इसका ये ट्राइंगर पोर्शन जो दिखाई दे रहा है इसी में लगी ये खिड़की किस नाम से जानी जाएगी इसी खिड़की को आप गेबल विंडो के नाम से जानते हैं किस नाम से जानते हैं इसे ही हम किस नाम से जानते हैं सर गेबल विंडो के नाम से जानते हैं भाई सेशन को शेयर कर लीजिए हमारा सेशन ही ऐसा चलता है कि हमारे सेशन में आप लोग 200 प्लस ढाई सौ प्लस लाइव मिलते हैं आप एग्जाम की वजह से या किसी अन्य कारणों से अभी नहीं जुड़ पा रहे हैं या जुड़ पा रहे हैं जो भी है अपनी समस्याओं को हल करिए और इन टॉपिकों को एकदम प्रॉपरली क्लियरली आप लोग देखिए करिए जानिए समझिए ठीक है और जहां डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करके मुझसे कह सकते हैं आपकी जो भी समस्या होगी मैं जरूर सॉल्व करूंगा ठीक है फिलहाल चलते हैं इस मामले पर तो हम लोग इतना देख पाए अच्छा तो ये तो ये दिखा कौन सा गेबल विंडो विंडो अब एक विंडो ऐसा है कई सारे लोग गेबल और डॉर्मर में कंफ्यूज हो जाते हैं गेबल और डॉर्मर में कंफ्यूज हो जाते हैं उनके कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने ये पूरी कहानी बताई कि सर अगर इस ट्राइंगुलर पोर्शन में लगी है तब तो ये क्या है तब तो ये क्या है सर तब तो ये कहलाती है

कहां लगा रहे हैं स्लोपी रूफ में ही लगा रहे हैं मतलब आप देखो आपका ये स्लोपी रूफ हा स्लोपी रूफ की साइड पर स्लोप पर बाहर की तरफ ऐसे आउटर वर्ड प्रोजेक्ट करके आप एक खिड़की लगा रहे हैं आउटर वर्ड प्रोजेक्शन देके एक खिड़की लगा रहे हैं तब तो आप इस खिड़की का नाम देते हैं क्या नाम देते हैं सर आप ये खिड़की का नाम क्या देते हैं तब इस खिड़की का नाम देते हैं डॉर्मर विंडो क्या नाम देते हैं डॉर्मर विंडो ठीक है गैमरल विंडो है क्या ठीक है

तो यहाँ बताया मैंने वेंटिलेटर इसीलिए कहा मैंने इसे क्या बोला वेंटिलेटर क्योंकि छत को काट कर लगाई जा रही तो थी मैंने इधर बताया कहा कि भाई जब ऐसी स्थिति हो जब ऐसी स्थिति हो कि किसी स्लोपी रूफ या किसी फ्लैट रूफ के फ्लैट रूफ समतल रूफ ऐसे दिखाई दे रहा है टॉप पर रूफ के हाँ जी इस रूफ के इसी पोजीशन को ऐसे काट दिया गया यानी छत के ही एक पर्टिकुलर भाग को काट दिया गया और काट हमने क्या कर दिया है काट कर हमने क्या कर दिया सर यहाँ खिड़की फिट कर दी है तब इस खिड़की का नाम होगा लाइट विंडो क्या नाम होगा विंडो ठीक है क्या नाम होगा भाई सक, लाइट विंडो तो अब आप समझ पाए कि लाइट विंडो किसे कहेंगे आई होप कि आपको समझ में आने लगा होगा कि लाइट विंडो क्या है ठीक है भाई आपके कमेंट बहुत कम आ रहे हैं मुझे पता नहीं चल रहा कि आप लोग देख पा रहे हैं या वीडियो नहीं देख पा रहे हैं या ये आपको समझ में आ रही हैं बातें या नहीं आ रही हैं आप कमेंट करके मुझे बताते रहिए कि क्या मामला चल रहा है ठीक है थोड़ा तेजी से बताते रहिए नेक्स्ट बात करते हैं तो ये तो कहानी इनकी रही अब थोड़ी चर्चा पर आते हैं आ? अगले विंडो पर अगला विंडो भी आपने ये देखा होगा हाँ इस विंडो को बोलते हैं लैंटर्न विंडो जब ध्यान रखना दोनों में कुछ अंतर है ये लैंटर्न विंडो और दूसरी कौन सी विंडो हाँ स्काई लाइट दोनों में थोड़ा सा अंतर है ये लैंटर्न विंडो देखिए तो मैंने कहा लैंटर्न लाइट विंडो इसे कहते हैं और हमने कुछ बात कही है ध्यान से देख लो सुन लो समझ लो क्या कहा है ऐसे गैलरीज अथवा भीतरी कमरे जो चारों ओर से समान ऊंचाई वाले अन्य कमरों से घिरे हों यानी फ्लैट रूफ होगा कैसा रूफ होगा फ्लैट रूफ होगा जिनको दीवारों में रोशनदान या खिड़की प्रदान नहीं की जा सकती तो पॉल्यूटेड एयर को बाहर निकालने के लिए इस तरह के वेंटिलेटर प्रोवाइड करते हैं छत को ही काट कर प्रोवाइड करते हैं पिछले केस में मैंने ये वाला बात कही थी ना ये वाली बात हाँ कि जब हम इधर देख लीजिए मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए जब हम क्या करें किसी स्लोपी रूफ को ये तो स्लोपी रूफ है ना सर किस तरह का रूफ है स्लोपी रूफ स्लोपी रूफ के एक पर्टिकुलर भाग को कट करके इसी में क्या कर दें सर इसी में खिड़की फिट कर दें तब आप इस खिड़की को बोलते हैं स्काई लाइट विंडो क्या बोलते हैं स्काई लाइट विंडो लेकिन अगर यही रूफ हमारा फ्लैट है कैसा रूफ है फ्लैट रूफ है तब हम इसको क्या बोलते हैं सर तब इसका दूसरा नाम होता है आ? तब इसका दूसरा नाम होता है और दूसरा नाम क्या है लेंटर लाइट विंडो क्या नाम है लेंटर लाइट विंडो थोड़ा सा ध्यान से बात मेरी फिर से समझिएगा मैंने कहा कि सर जी ऐसा है पहले रूफ तो समझ लो कितने टाइप का रूफ होता है थोड़ा सा मैं आपके लिए एक फिगर ऐड करता हूँ रूफ कितने टाइप के रूफ होते हैं सर तीन टाइप के रूफ होते हैं कितने टाइप के होते हैं तीन टाइप के रूफ होते हैं पहला रूफ जो हमें देखने को मिलता है इस फर्स्ट रूफ को हम बोलते हैं पहले रूफ को बोलते हैं पेंट रूफ पेंट रूफ या पिचड रूफ पेंट रूफ या रूफ या पिचड़ रूफ इसी का दूसरा नाम है स्लोपी रूफ क्या नाम है स्लोपी रूफ इसी का नाम है अच्छा ये पहला रूफ है दूसरे रूफ को बोलते हैं फ्लैट रूफ मैं आगे इनके बारे में बताऊंगा भी फ्लैट रूफ या इसी को बोलते हैं टेरेस्ड रूफ क्या बोलते हैं टेरेस्ड रूफ अच्छा तीसरा रूफ कौन सा आता है डोम रूफ या कर्व रूफ कर्व रूफ हा ये नाम तीन तरह के डौ... तीन तरह के रूफ आपको देखने को मिलते हैं ये तीन तरह के रूफ आपको देखने को मिलते हैं तीनों का नाम मैंने आपको बता दिया है अच्छा तो अब देखो किसी रूफ को कब कहेंगे आप स्लोपी रूफ किसी रूफ को स्लोपी रूफ कब कहेंगे ध्यान से बात सुन लो जब किसी रूफ का जब किसी रूफ का हॉरिजेंटल से इंक्लिनेशन कहां से सर ये हॉरिजेंटल लाइन है इस हॉरिजेंटल से इंक्लिनेशन ये इंक्लिनेशन ये कितना डिग्री दस डिग्री से ज्यादा हो दस डिग्री से ज्यादा हो तब इसे आप बोलते हैं सर क्या बोलते हैं पेंड रूफ या फिर पिचड रूफ या फिर स्लोपी रूफ बोलते हैं और अगर 10 डिग्री से कम हुआ लेस देन 10 डिग्री हुआ तब आप इसे क्या बोलते हैं फ्लैट रूफ या टेरेस रूफ बोलते हैं और अगर ये प्लान में कैसा हुआ सर ऐसे गुम्बदनुमा हुआ जैसे आपने वाटर टैंक की छत देखी होगी अगर ये इस तरह का दिखाई दे रहा है तब आप इसे क्या बोलते हैं तब इसे आप क्या बोलते हैं सर तब इसे बोलते हैं आप डोम टाइप रूफ या कर रूफ क्या बोलते हैं डोम टाइप रूफ या

कहा कि जब किसी फ्लैट रूफ का फ्लैट रूफ का ऐसा वाला अवस्था हो कि सर आसपास जो कमरे हैं ना उनमें समान ऊंचाई की दीवार है यानी रूफ हमेशा फ्लैट फ्लैट बनाया बनाया है आपने किस तरह का रूप बनाया? फ्लैट। लेकिन समान ऊंचाई की दीवारों से घिरा है और उन दीवारों में खिड़की देने की व्यवस्था ही नहीं है नहीं है तब आप वेंटिलेटर प्रोवाइड करते हैं और छत का यानी छत आपका अगर ऐसे दिख रहा है तो इस छत का एक पर्टिकुलर भाग कट कर देते हैं और इसी फ्लैट रूफ में कौन से रूप में फ्लैट रूफ में आप कट करके खिड़की बना देते हैं इस तरह से और जब ये खिड़की बना देंगे तो इस खिड़की का नाम देते हैं आप इस खिड़की का क्या नाम देते हैं सर तो इस खिड़की का नाम देते हैं लैंटर्न विंडो या लैंटर्न लाइट विंडो नाम देते हैं क्या नाम देते हैं लैंटर्न लाइट विंडो आपने हाँ। अपने घरों में गैलरीज हाँ गैलरीज जो देखी होंगी गैलरीज में हम काट के लगा के बना के रखते हैं आपने देखा होगा कि जब हम अपना कोई घर बनाते हैं तो घर में गैलरी में या फिर छत में बीच बीच में आंगन में वो जाली बनाकर रखते हैं ना कट करके कर रखते हैं उसको भी यही नाम दे सकते हैं आप लैंटर्न लाइट विंडो क्या नाम दे सकते हैं लैंटर्न लाइट विंडो अभी समझ में आई बात अभी बात समझ में आई कमेंट करो यार थोड़ा तेजी से बताओ कि समझ गए बात या नहीं नेक्स्ट विंडो पर बात करेंगे नेक्स्ट विंडो पर बात करेंगे और अगली विंडो जो देखने को मिलेगी आपको ये इस विंडो का नाम है रिज वेंटिलेटर क्या नाम है रिजवेंटिलेटर हाँ क्या नाम है भाई रिज वेंटिलेटर अरे कमेंट करके बताओ यार समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो और आज आप लोग केवल चौंतीस लोग लाइव हैं ये बड़ा मेरे लिए अच्छा है कि कम से कम आज आपके ट्रिप डी ट्रिपल एस बी के पेपर हैं और तब भी आप यहाँ पढ़ रहे हैं क्या ये बात है वही मतलब आप सारी चीजें समझना चाहते हैं सारी चीजें जानना चाहते हैं हाँ आपका सबर बहुत अच्छा है है नेक्स्ट बात करते हैं अगला है वेंटिलेटर क्या है वेंटिलेटर रिज वेंटिलेटर की बात करो जब लक्की सोलंकी लेट हो गए सर आज कोई बात नहीं भाई आए तो सही हाँ कुमार, पानी घर में नहीं आ सकता अरे यार हम विंडो के साथ भी तो प्रोवाइड करते हैं और पानी ना आने देने की पूरी व्यवस्था रखते हैं परेशान मत होइए उस बात के लिए ठीक है देसी बालक सॉरी सर लेट हो गया अरे कोई बात नहीं लेट आए पर आए तो चलो इधर बात करते हैं अगला है रिज वेंटिलेटर जब देखो यार कभी हम ऐसे ट्रस ट्रस वाली फ्रेम बनाकर ट्रस वाली फ्रेम बनाकर हम क्या करते हैं ट्रस वाली फ्रेम बनाकर हम, हम क्या करते हैं ट्रस फ्रेम बनाकर हम क्या करते हैं ट्रस फ्रेम बनाकर हम क्या करते हैं कोई घड़ की छत बनाते हैं इस तरह की स्लोपी रूफ तो हम क्या करते हैं इस देखो, ये ट्रस अगर आप कहें देखिए आपका एक ट्रस रूफ है क्या है ट्रस रूफ है तो रूफ का आपने एक पर्टिकुलर हिस्सा इधर देखिए रूफ का ये सबसे टॉप पोर्शन ये ये कहलाता है रिज क्या कहलाता है रिज कहलाता है सबसे ऊपरी हिस्सा ये कहलाता है रिज लाइन और इसी रिज लाइन को कट करके आपने यहां इस पोर्शन में खिड़की फिट कर दी है क्या फिट कर दी है ये देखिए खिड़की फिट कर दी है आ? और ये खिड़की पूरी तरह से वॉटर प्रूफ है आ? पूरी तरह से वॉटर प्रूफ है दिस इज प्रोवाइडेड ओनली फॉर द एंट्रेंस ऑफ लाइट तब आप इस तरह की खिड़की को नाम देते हैं इस तरह की खिड़की को नाम देते हैं रिज वेंटिलेटर क्या नाम देते हैं रिज वेंटिलेटर। तो यहां रिज वेंटिलेटर मैंने लिखा है वेंटिलेटर साइड की ढालू छतों में ट्रस की रिज में बनाया जाता है यानी ट्रस की रिज पर हम प्रोवाइड करेंगे ट्रस की रिज लाइन पर प्रोवाइड करेंगे और ये किस नाम से जाना जाएगा सर रिज वेंटिलेटर के नाम से जाना जाएगा तो आई होप कि अब आपको ये समझ में आने लगा होगा कि व्हाट इज रिज वेंटिलेटर ठीक है चलो नेक्स्ट बात करते हैं अगली कहानी पर चलते हैं और अगला देखते हैं लावर्ड विंडो जानते हैं जब कभी प्राइवेसी भी चाहिए एयर का सर्कुलेशन भी चाहिए और लाइट का इंट्रेंस भी चाहिए लाइट का एंट्रेंस भी चाहिए और खिड़की बंद भी रखना चाहते हैं मतलब खिड़की खोल कर नहीं रखना चाहते साहब हम बंद करके रखना चाहते हैं तब हम जो है इसे लावर्ड विंडो के नाम से जानते हैं किसके नाम से जानते हैं लावर्ड विंडो के नाम से ये विंडो और ये डोर आपके यहाँ अभी डी ट्रिपल एस बी में पूछा गया था तो किस नाम से जानते हैं लावर्ड विंडो के नाम से आपने ये विंडो जर्नली रेलवे टॉयलेट्स में देखी होगी या फिर रेलवे आपने देखी होगी कि इस तरह की खिड़की प्रोवाइड करते हैं इस खिड़की का मेन उद्देश्य क्या है कि जब प्राइवेसी भी बनाए रखनी हो क्या बनाई रखनी हो प्राइवेसी भी बनाई रखनी हो एयर का सर्कुलेशन भी चाहिए हो लाइट का इंट्रेंस भी चाहिए हो तब ऐसी दशा में इस तरह की खिड़की का निर्माण किया जाता है हा? और ये जो पोर्शन दिखाई दे रहे हैं ऐसे तिरछी तिरछी ये प्लेट दिखाई दे रहे हैं इनको लावर्स बोलते हैं क्या बोलते हैं लवर्स बोलते हैं और आप इस तरह की खिड़की प्रोवाइड करते हैं ऐसी जगहों पर ही ठीक है लोकल ट्रेन में यही विंडो रहता है सर बिल्कुल यही विंडो इसी विंडो को लवर्स विंडो बोलते हैं क्या बोलते हैं लवर्स विंडो इसका उद्देश्य क्या है लाइट का एंट्रेंस कराना एयर का फ्री सर्कुलेशन कराना और प्राइवेसी भी मेंटेन रखना इवन जब ये बंद हो तब भी जब बंद हो तब भी तब इसी तरह की विंडो बनाते हैं और इस विंडो को नाम देते हैं लावर्स विंडो और सामान्यता बाकी जो दूसरी विंडोज हैं अगर वो बंद हैं तो एयर का सर्कुलेशन नहीं कराती लेकिन ये विंडो जो है ये विंडो बंद होने पर भी एयर का सर्कुलेशन कराने में कैपेबल होती है इसीलिए टॉयलेट्स वगैरह में हम मोस्ट ऑफ द टाइम इसी तरह की विंडो प्रोवाइड करते हैं ठीक है इसी तरह की विंडो प्रोवाइड करते हैं क्या हमारी बात समझ में आई आपको क्या हमारी बात समझ में आई नेक्स्ट बात है सनसेट क्या बात है सनसेट अच्छा खिड़की के साथ ये दिया जाता है एक और एलिमेंट है खिड़की के साथ दिया जाने वाला एक और एलिमेंट है मुझे बताएं यहां तो मैंने लिख दिया है कि चलो सर अगर आप ये बात करो आपके आपके घर की है, ये आपके घर की है है के और इस दीवाल में आपने यहाँ खिड़की प्रोवाइड कर रखी है आ? इधर कहीं स्लैब लेवल होगा जाने दो ऊपर से ये दीवाल ऐसे ऊपर चली गई है जाने दो ये क्या है स्लैब लेवल है इसे हटाओ ये स्लैब लेवल है आपने देखा होगा कि सर हाँ मैं ऐसे प्रोजेक्शन कट करके बात कर रहा हूं आपने देखा होगा कि सर ऐसी स्थिति में ऐसी स्थिति में यहां हमने कई बार देखा है कि ऐसी स्थिति में सर ऐसा एक प्रोजेक्शन हम बाहर की तरफ निकालते हैं ऐसा एक प्रोजेक्शन बाहर की तरफ ऐसे निकाल कर रखते हैं एक प्रोजेक्शन हम बाहर की तरफ निकाल कर रखते हैं सर इसी प्रोजेक्शन के बारे में ही तो हमें बात करनी है इसी प्रोजेक्शन के बारे में ही तो हमें आपसे बात करनी कि इस प्रोजेक्शन को हम कहते क्या है इस प्रोजेक्शन को हम कहते क्या है हमें आपको इसी से इसी बारे में तो बात करनी है सर आपकी खिड़की ये दिखाई दे रही है ये खिड़की दिखाई दे रही है आ? ये खिड़की आपकी यहां यहां आपकी विंडो है ये इनर साइड है कमरे का इनर साइड और ये कौन सा है आउटर साइड साहब देखो खिड़की के बाहर खिड़की के बाहर हम ये प्रोवाइड इसलिए करते हैं खिड़की के बाहर हम ये प्रोवाइड इसलिए करते हैं ताकि से घर के इनर साइड में प्रवेश ना इन्हीं लिए हम क्या प्रोवाइड करते हैं सर ये ये नया पोर्शन प्रोवाइड करते हैं इस पोर्शन का नाम है सनसेड क्या नाम है सनसेड कुछ लोग इसे गांव में छज्जा बोलते हैं क्या नाम है इसका

वेदरिंग बोलते हैं स्लोपी पोर्शन को क्या बोलते हैं वेदरिंग अच्छा एक और बात है वो बात मैं आपसे थोड़ी सी करना चाहूंगा कि सनसेट के निचले भाग में हम ऐसे एक नाली काट कर रखते हैं नाली काट के इसलिए रखते हैं ताकि इधर का पानी प्रवेश करके आगे इन दीवालों के माध्यम से नीचे ना जाए तो इस पोर्शन की बात करो सर इस पोर्शन को बोलते हैं थ्रोटिंग क्या बोलते हैं थ्रोटिंग बोलते हैं क्या बोलते हैं सर थ्रोटिंग बोलते हैं तो ये मामला आप ये देखेंगे कि इन्हें थ्रोटिंग बोला जाता है और इस वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं वेदरिंग अब कमेंट बॉक्स में मुझे मेंशन करके बताइए कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ सनसेट सनसेट की डायमेंशन क्या लेते हैं थोड़ा कमेंट बॉक्स में मेंशन करके मुझे बताइए वैसे अगर सनसेट की बात करो तो सर सनसेट की जो दीवार में हां दीवाल में जितना भाग इसका फंसा हुआ रहता है उसकी थिकनेस की बात करो तो सर ये पंद्रह सेंटीमीटर होता है कितना होता है पंद्रह सेंटीमीटर अच्छा आउटर साइड इस साइड ये जो थिकनेस है दिस थिकनेस अगर इसकी बात करो तो यह थिकनेस पांच सेंटीमीटर होती है कितनी होती है फाइव सेंटीमीटर होती है अच्छा अगर यहां पर बात करो मतलब इस पोर्शन में इसकी थिकनेस की बात करो तो इस पोर्शन में डायमेंशन है. है? तो रही सर सनसेट की लंबाई कितनी लेते हैं थोड़ा ये नहीं बताएंगे क्या हम लोग को हमको ये भी तो जानना है सर कि व्हाट इज लेंथ ऑफ दिस सनसेट इस लेंथ को मैं यहां लिख रहा हूं इस सनसेट की जो ये लेंथ है सर ये लेंथ 30 से 60 सेंटीमीटर ली जाती है कितनी ली जाती है 30 से 60 सेंटीमीटर हो अब मुझे समझ में आने लगा होगा कि आप ये पूरी बात समझ गए हैं कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ सनसेट अरे भाई लेक्चर देखने में ही व्यस्त रहोगे या इसे सब्सक्राइब सब्सक्राइब करके शेयर वेयर करके हा? और थोड़े लाइक वाइक करके इसका थोड़ा सा जो वैल्यू है इस लेक्चर की ना वो थोड़ा सा बढ़ाइए ताकि दूसरे लोगों तक भी ये लेक्चर पहुंच पाए तो थोड़ी अपनी जिम्मेदारी का भी आप लोग फायदा उठाइए ने आपको इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी दिया है कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये पूरा सब्जेक्ट लाइव पढ़ने को मिल रहा है तो क्या ही? आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि थोड़ा सा इसे और हा? क्या करें सर लाइक वाइक करके थोड़ा आप इसे थोड़ा दूर तक पहुंचाएं जहां तक ये अधिकतम संभव हो चलो तो कर दिए हैं चलो कोई बात नहीं धन्यवाद वर्षा कुमारी सूरज कुमार धन्यवाद बाकी लोग भी अपनी जिम्मेदारी निभाएं भाई ये दोनों ही क्लास के मॉनिटर थोड़े हैं चलो तो ये मामला ऐसा है तो हम लोग भी ये समझ गए कि हाँ ये सनसेट हम क्यों प्रोवाइड करते हैं आ? और इसका क्या डायमेंशन वाइमेंशन लिया जाता है आ? इतनी बात समझ लेने के बाद ये तो समझ में आ गया कि हाँ सनसेट का क्या काम किसी भी बिल्डिंग में होता है चलो ये तो समझ गए हम नेक्स्ट बात भी कर लेते हैं सर नेक्स्ट बात भी कर लेते हैं कई प्रकार तो कि वे के हम ज्वाइंट प्रोवाइड करते हैं कई प्रकार के हम ज्वाइंट प्रोवाइड करते हैं कई प्रकार के हिंजेस प्रोवाइड करते हैं लेकिन उसके पहले मुझे आपसे कुछ और बात करनी है वो बात है वेंटिलेटर की किसकी बात है वेंटिलेटर की बात है वेंटिलेटर के बारे में पहले भी बता चुका हूं मैं हाँ वेंटिलेटर के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूं तो चलो इस वेंटिलेटर के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन विंडो एंड वेंटिलेटर थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में बताइए कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन विंडो एंड वेंटिलेटर थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी जल्दी हाँ भाई एक व्यक्ति ने मुझे बताया प्रिदर्शन कुमार पोजीशन डिफरेंट होती है सर वेंटिलेटर की बात करो ना तो इधर देखो वेंटिलेटर इट इज सेम इन फंक्शन एज विंडो यानी खिड़की और वेंटिलेटर दोनों का काम सेम है सर सेम पर्पज है लेकिन इनकी पोजीशन क्या है अलग अलग आ? इट इज जस्ट या प्रोवाइडेड जस्ट बिलो इट इज प्रोवाइडेड जस्ट बिलो 52 टू या ऐसे लिख लो 30 टू 50 सेंटीमीटर 30 टू 50 सेंटीमीटर फ्रॉम स्लैब लेवल फ्रॉम स्लैब लेवल हाँ ये पोजीशन इनकी होती है लेकिन वहीं अगर दूसरी बात कर लो वहीं दूसरी बात कर लो सर दूसरी बात कर लो विंडो की पोजीशन क्या होगी विंडो की ग्राउंड लेवल से पोजीशन ना 60 से 90 सेंटीमीटर ऊपर होती है कितनी होती है 60 से 90 सेंटीमीटर ऊपर प्रोवाइड करते हैं विंडो तो इन दोनों की पोजीशन में अंतर है बाकी फंक्शन सेम है अच्छा तो कई बार ऐसी भी अवस्था देखने को मिलती है कि एक ही विंडो में वेंटिलेटर भी है और विंडो भी है यानी इन दोनों का कंबाइंड अरेंजमेंट भी देखने को मिलता है और आपने ये अरेंजमेंट भी देखा होगा अः यह अरेंजमेंट भी देखा होगा यह अरेंजमेंट क्या है मैंने बता रखा कि इधर देखो साहब ये तो खिड़की के पोर्शन है और इसी खिड़की के जस्ट ऊपर यहाँ ये देखो इस पोर्शन में आपने वेंटिलेटर भी प्रोवाइड कर दिए हैं और आजकल मार्केट में ये खूब प्रचलन में है कि एक ही खिड़की में मतलब एक ही फ्रेम में वेंटिलेटर और विंडो दोनों को अरेंज कर दिया है वेंटिलेटर और दो विंडो दोनों को अरेंज कर दिया है दोनों को अरेंज करने के बाद जो बंद कराएगा वो ये होगा ठीक है तो आई होप कि अब आपको विंडो वेंटिलेटर और दोर में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा इनके नामों में कंफ्यूजन नहीं होगा इनको कब बनाते हैं कहां बनाते हैं इस बात में भी कंफ्यूजन नहीं होगा आई होप कि अब आपको आपके बीएमसी के ऑब्जेक्टिव क्लास देख रहा हूं आजकल मजा आ गया अच्छा मुकेश चंद्र ठीक है भाई अच्छी बात है मेरे बहुत सारे क्लासेस यूट्यूब पर आएंगे जल्दी ही जल्दी ही क्लासेस मैं लेकर आपसे मिलता रहूंगा एक निश्चित अंतराल के बाद क्योंकि मेरी बहुत सारी क्लासेस ऑफलाइन जयपुर पटना इलाहाबाद कानपुर लखनऊ इंजीनियर्स एकेडमी के अलग अलग सेंटर्स पर मुझे लेना पड़ता है और जैसे ही मैं अलग अलग सेंटर से क्लास लेकर फ्री होता हूँ तो इस फ्री टाइम में मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ वर्तमान समय में मैं जयपुर से आपके लिए क्लास ले रहा हूं और जयपुर सेंटर पर इंजीनियर एकेडमी की ऑफलाइन क्लास लेने के बाद मैं आपके साथ ऑनलाइन कनेक्ट होता हूं जस्ट विद इन फ्यू मिनट्स ठीक है क्यों क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये जो है ये जो है आपको अधिकतम मिल सके अच्छा मुकेश चंद्र आई एम गवर्नमेंट जॉब ऑफ वीआरओ अरे क्या बात है मुकेश चंद्र जी हां आपने वीआरओ में रहते हुए भी हमारे लेक्चर को पसंद किया अच्छी बात है चलो चैनल नाम बता दो जहां जहां लेते हो में आएंगे अरे भाई मेरे के चैनल का एक ही नाम नाम है निम्बस। क्या है क्या यूट्यूबी यही एक नाम है और मैं यही मिलूंगा और कहीं नहीं मिलने वाला तुम्हें तो अभी तो यही मिलूंगा ठीक है चलो सर आप बहुत मेहनत कर रहे हैं हम लोगों के लिए बिल्कुल वर्षा कुमारी मैं चाहता हूं कि इंजीनियर्स अकेडमी से जुड़ा हर बच्चा कहीं से भी हो उसे ऐसे कंटेंट मिले जो यूनिक हो जो दूसरे के पास सामान्य तौर पर न मिले इसीलिए मैं हिंदी लैंग्वेज के लिए अलग लेकर आ रहा हूं इंग्लिश लैंग्वेज वालों के लिए अलग लेकर आ रहा हूँ कुछ प्रैक्टिकल आप लोग के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूं अपने अपने पार्ट टाइम टाइम में और वो भी मैं आपको यानी दिनचर्या का एक दैनिक दिनचर्या का जो हिस्सा है वह छोड़कर मैं सारा भाग मैं आप लोग को समर्पित करना चाहता हूं क्योंकि मेरे जीवन का एक ही उद्देश्य बचा है अभी अभी तो वर्तमान में एक ही उद्देश्य है कि मैं अपना हंड्रेड परसेंट देकर उन्हें मोटिवेट कर पाऊं या उन्हें उनकी सही जगह पर पहुंचा पाऊं जिन्हें कई लोग कभी उंगली पकड़ कर रास्ता भटका दिए या अपनी मंजिल को खुद ही भूल गए या किसी माध्यम से कुछ और अन्य कारणों से वह अभी तक सफल नहीं हो पाए तो मेरा तो उन्हीं के लेकर ये सवाल है ठीक है हाँ भाई का बिल्कुल। यहां जी है ना, इस कॉन्टैक्ट जाकर कर सकते हैं प्रोवाइड किया जाता है आपसे जुड़ सकते हैं और जो भी आप चाहे आप उनसे बात कर सकते हैं बता सकते हैं ठीक है पीडीएफ डी मिलेगा वाई फाइव फोर पॉइंट जीरो वाई फाइव फोर पॉइंट जीरो भाई इसका पीडीएफ जो है मैंने

कि वेंटिलेटर कंबाइंड विथ विंडो ऐसी भी अवस्था देखने को मिलती है और आजकल ये वाला काफी प्रचलन में है लोग आ? इसी का आजकल ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं कि खिड़की और वेंटिलेटर दोनों को एक ही साथ प्रोवाइड कर दे रहे एक सिंगल फ्रेम में और दोनों का फंक्शन ही एक साथ उठा लेते हैं या दोनों के फंक्शन या दोनों के लाभ एक साथ उठाते हैं और ये कंबाइंड अरेंजमेंट ही आजकल मार्केट में प्रचलन में है अच्छा यहाँ एक नाम आता है इसे बोलते हैं ट्रांसम क्या बोलते हैं ट्रांसम ये ट्रांसम नाम के बारे में आप लोग क्या जानते हैं ट्रांसन नाम के बारे में आप लोग क्या जानते हैं वो जरूर बताइएगा मुझे आयुष मेहता बहुत जल्द आरसी के लिए मैं पटना आने वाला हूँ और पटना की सारी बैचेस में लगभग मैं आरसी के लिए आपसे जल्दी ही मिलूंगा जब यहां से हमें परमिशन मिल जाती है तो हम आपके पास पहुंचते हैं परेशान मत होइए हम जल्दी ही आपसे मिलेंगे ठीक है चलिए तो ये कहानी यहां तक रही अब आगे बात करते हैं ऐसा है कि साहब कई तरह के जोड़ प्रोवाइड किए जाते हैं क्या प्रोवाइड किए जाते हैं कई तरह के जोड़ प्रोवाइड किए जाते हैं टिम्बर है. के कई तरह के ज्वाइंट प्रोवाइड किए जाते हैं हाँ किसमें ज्वाइंट प्रोवाइड किए जाते हैं खिड़की की फ्रेम बनाने के लिए दरवाजे की फ्रेम बनाने के लिए सटर बनाने के लिए इनमें तो कई तरह के जोड़ हमें आपको प्रोवाइड करने होते हैं ठीक है हाँ तो कई तरह के

वेंटिलेटर की फ्रेम या शटर बना रहे होंगे तब इस तरह के ज्वाइंट इतने टाइप के ज्वाइंट प्रयोग करते हैं आप और इनके बारे में ही तो हम आपसे बात कर रहे हैं इनके बारे में ही हम आपसे बात कर रहे हैं कि क्या मामला है के बारे में हम आपसे बात कर रहे हैं तो चर्चा करते हैं थोड़ी सी कि जब क्या करना हो टिम्बर ज्वाइंट की बात कर लेते हैं जब क्या करना हो पहला ज्वाइंट है लैप ज्वाइंट क्या ज्वाइंट है लैप ज्वाइंट जब क्या करना हो सर एक टिम्बर मेंबर ये है दूसरा टिम्बर मेंबर ये है और इन दोनों टिम्बर मेंबर को आप ऐसे मैं थोड़ा सा इनका सेक्शन कट करके बना रहा हूँ इन दोनों टिम्बर को आप ऐसे किसी माध्यम से जोड़ देते हैं पिन इत्यादि के माध्यम से तब आप इसे क्या नाम देते हैं लैप सामान्यतः हम लैप ज्वाइंट का प्रयोग नहीं करते हैं डोर विंडो वेंटिलेटर की फ्रेम वें बनाने में जनरली नहीं करते हैं ठीक है जनरली हम ये नहीं करते हैं अच्छा दूसरा है फिश ज्वाइंट कौन सा ज्वाइंट है फिश ज्वाइंट कौन सा ज्वाइंट है भाई फिश ज्वाइंट है अच्छा तो ये फिश ज्वाइंट कौन सा ज्वाइंट है इस फिस ज्वाइंट को आप बट ज्वाइंट भी कह सकते हैं क्या कहते हैं कह सकते हैं बट ज्वाइंट भी कह सकते हैं तो थोड़ा सा इस दूसरे ज्वाइंट के बारे में चर्चा करते हैं ये दूसरा ज्वाइंट कैसे दिखाई देगा आप इसे बट ज्वाइंट कह सकते हैं एक टिम्बर ये दूसरा टिम्बर में और इनके ऊपर आपने लगा दी एक कवर प्लेट और कवर प्लेट लगाकर आपने इनको क्या कर दिया सर जोड़ दिया कवर प्लेट लगाकर क्या कर दिया जोड़ दिया तो जोड़ दिया तो सर ये जोड़ जो दिखाई देगा इस जोड़ को क्या नाम देंगे आप इस जोड़ को नाम देते हैं आप फिस जोड़ आ, या फिश ज्वाइंट या फिर इसका दूसरा नाम क्या है सर बट ज्वाइंट आप ये जानते हैं इसके बारे में बहुत ज्यादा सोचने समझने की जरूरत नहीं है आप ये जानते हैं ठीक है राकेश रवि अच्छा अनीता सिंह ओके सर हरे क्या बात है नायरा राव अच्छा गुड इवनिंग सर ठीक है ये बीच में कौन है राकेश रवि ठीक है गुड इवनिंग सर ठीक है भाई गुड इवनिंग नेक्स्ट बात करते हैं आप इन दोनों के बारे में जानते हैं लेकिन हम, तो हम ग्रूविंग करके ये ज्वाइंट बनाते हैं क्या करके ग्रूविंग करके ये ज्वाइंट बनाते हैं और इनमें करना कुछ नहीं है बड़ा सिंपल सा काम चलेगा इनमें करना कुछ भी नहीं है आपको इनमें करना कुछ भी नहीं है क्या करना है फिर सर थोड़ा सा मैं आपके लिए बनाता हूं कलर वालर चेंज करके हा? कलर वालर चेंज करके बनाता हूं थोड़ा सा ठीक है सेक्शन कट कर लिया जाएगा ऐसे सेक्शन कट कर लिया जाएगा ऐसे अच्छा फिर ठीक है कट कर लिया सेक्शन अब फिर एक काम करेंगे दिस इज द सेक्शन दिस इज द सेक्शन ये एक टिम्बर का सेक्शन है अच्छा अब मैं कलर चेंज करके दूसरे टिम्बर का सेक्शन बनाता हूं इस तरह से हमने ग्रुविंग की है एक दूसरे टिम्बर का सेक्शन बनाते हैं ये देख रहे हैं आप ये ज्वाइंट जो देख रहे हैं आप इस ज्वाइंट को नाम देते हैं आप ये ज्वाइंट जो आप देख पा रहे हैं इस ज्वाइंट को आप नाम देते हैं टेबल ज्वाइंट क्या नाम देते हैं टेबल ज्वाइंट और टिम्बर के मेंबर्स में हम इस तरह का भी टिम्बर के मेंबर में हम इस तरह का भी ज्वाइंट प्रोवाइड करते हैं और इस ज्वाइंट को हम नाम देते हैं इस ज्वाइंट को नाम देते हैं ये टिम्बर मेंबर वन और ये टिम्बर मेंबर टू इस तरह के ज्वाइंट को हम नाम देते हैं टेबल ज्वाइंट क्या नाम देते हैं टेबल ज्वाइंट याद रखिएगा टेबल ज्वाइंट के बारे में मैंने आपसे तो सिंपल बात कही थी कि टेबल ज्वाइंट हम ऐसा ही बनाते हैं तो इस तरह का जोड़ भी हम मेंबर में बनाते हैं डोर विंडो वेंटिलेटर की फ्रेम या पूछा जाता है एग्जाम में कि एक मेंबर की पूरी मोटाई का खांचा दूसरे मेंबर में काटकर इसे हम जोड़ते हैं अच्छा तो बनाएंगे कैसे बनाएंगे सर कैसे बनाएंगे हाउस ज्वाइंट थोड़ा सोचिए एक मेंबर की पूरी मोटाई का खांचा दूसरे मेंबर में आप काट देंगे और तब इसे बनाएंगे तब इसे बनाएंगे तो भाई हम कैसे बनाएंगे इसे एक मेंबर की मोटाई कितनी होगी आप सोचो आप खुद सोचो कि कैसे बनाएंगे इसे थोड़ा सा इनके लिए हम दूसरा एक वो लेते हैं हाउस ज्वाइंट बनाने के लिए हाउस ज्वाइंट बनाने के लिए एक दूसरा सा फिगर लेते हैं आप लोग हाउस ज्वाइंट के बारे में कभी पढ़ रखे हैं हाँ भाई कल्याण कुमार हाँ कल्याण कुमार भाई ऐसा है ना कि कटिंग इसलिए करते हैं ताकि ज्वाइंट बेहतर से बेहतर बनाए जा सके हा जनरली और मोस्टली में क्या डिफरेंस है अच्छा मोस्टली मतलब जो हम क्या है अधिकतर प्रयोग करते हैं और जनरली मतलब जो हम सामान्य दशा में प्रयोग करते हैं सामान्य दशा और अधिकतर दोनों बातों में अंतर है ठीक है चलो अच्छा सर नहीं पढ़े हैं नहीं पढ़े इसीलिए तो हम यहाँ पढ़ा रहे हैं आपको नहीं पढ़े हैं आप तभी तो हम आपको यहाँ पढ़ा रहे हैं अः तो ये कौन सा ज्वाइंट देखेंगे हाउस ज्वाइंट याद रखिएगा हाउस ज्वाइंट बनाने के लिए हम आप क्या करते हैं आ? एक मेंबर की पूरी मोटाई के बराबर दूसरे मेंबर में खांचा काट देते हैं एक मेंबर की पूरी मोटाई के बराबर दूसरे मेंबर में हम क्या कर लेते हैं खांचा काटेंगे और खांचा काटकर हम इसे ऐसा बनाएंगे ठीक है खांचा काटकर हम इसे ऐसे ही बनाएंगे ये तो अपना एक मेंबर है अच्छा दूसरा मेंबर कैसा होगा दूसरा मेंबर इनमें कैसा होगा सर ऐसा तो एक मेंबर यहां है और दूसरा मेंबर यहां है इस तरह का ज्वाइंट जब आप प्रोवाइड करते हैं तब इस ज्वाइंट को बोलते हैं आप हाउस ज्वाइंट क्या बोलते हैं हाउस ज्वाइंट हां भाई राजस्थान में बंद है लेकिन जो है भाई राजस्थान में नेट बंद है लेकिन आप लोगों के साथ कनेक्टिविटी नहीं बंद है कनेक्टिविटी लगातार आपके साथ जुड़ी है आप इसके लिए परेशान मत हो आ, राजस्थान में नेट बंद होने से कोई बहुत दिक्कत की बात नहीं है वो तो कुछ कारणों से विभागीय कारणों से बंद है उनसे परेशान मत होइए लेकिन ये मामला ऐसा ही है नेक्स्ट बात हम करेंगे सर टोंग डैंड ग्रुप ज्वाइंट किसकी बात करेंगे टोंग डैंड ग्रुप ज्वाइंट इसमें क्या करते हैं सर इसका बड़ा सिंपल मामला है टोंग डैंड ग्रुप ज्वाइंट की अगर बात करें आप टोंग डैंड ग्रुप ज्वाइंट की अगर बात करें तो हम एकदम सिंपली कह सकते हैं कि हम टोंग एंड ग्रुप ज्वाइंट की अगर बात करें तो हम सिंपली कह सकते हैं सर कि हम एक ही मेंबर में लकड़ी के क्या काट रखते हैं टोंग काट रखते हैं और दूसरे पोर्शन में क्या काट रखते हैं? ग्रूव काट रखते रखते हैं हैं ये देखो दिस पोर्शन इज टोंग अच्छा मुझे इसे थोड़ा सा बाद में लिखाना होगा हा? ये पोर्शन किस नाम से जाना जाता है ग्रूव के नाम से जाना जाता है किसके नाम से ग्रूव के नाम से और ये पोर्शन जो आप देख पा रहे हैं दिस पोर्शन इज नोन एज टोंग किसके नाम से टोंग के नाम से अब आप जब दो मेंबर्स को जोड़ते हैं इस विधि से दो मेंबर्स को जोड़ते हैं इस विधि से तो इनको जोड़ने के लिए आप फिर से क्या करते हैं अगले मेंबर में ग्रुप काटते हैं और उस ग्रुप को अगले मेंबर के के टोंग साथ क्या कर देते हैं सर अरेंज कर देते हैं टोंग तो के साथ अरेंज कर देते हैं तो मैं थोड़ा सा आपके लिए ये फिगर बनाऊंगा ताकि आप पूरी बात समझ पाए और इस तरह का ज्वाइंट जो आप प्रोवाइड करते हैं इस तरह का ज्वाइंट जो दो टिम्बर को जोड़कर प्रोवाइड करते हैं कि एक के ग्रुप में दूसरे का टोंग फिर दूसरे का टोंग फिर ग्रुप फिर टोंग फिर ग्रुप आप इस तरह से जो ज्वाइंट प्रोवाइड करते हैं टिम्बर में इस ज्वाइंट को इस को क्या बोलते हैं भाई इस ज्वाइंट को आप क्या बोलते हैं टोंग डैंड ग्रुप बोलते हैं क्या बोलते हैं टोंग डैंड ग्रुप ज्वाइंट ये बड़ा इंपॉर्टेंट ज्वाइंट है आप इसके बारे में भी जानते रहिएगा इसे क्या बोलेंगे आप टोंग डैंड ग्रुप ज्वाइंट तो मैंने इसके बारे में बता रखा कि टोंग डैंड ग्रुप ज्वाइंट के बारे में अब बात करेंगे हाँ डोव टेल ज्वाइंट की किसकी बात करेंगे डोव टेल ज्वाइंट की अच्छा डोव टेल ज्वाइंट के बाद हम अगला प्रोवाइड करते हैं बट ज्वाइंट कह रहे आवश्यक चौड़ाई प्रदान करने के लिए दो पट्टरों को ही जोड़ते हैं समांतर मतलब ऐसे रखकर जोड़ते हैं ठीक है अच्छा अगला बता रहे ऑब्लिक ऑब्लिक कौन सा टेनन अरे भाई जब लकड़ी का एक मेंबर ऐसा जा रहा हो दूसरा मेंबर ऐसा जा रहा हो तीन ऑब्लिक पोजिशन में इन्हें जोड़ने के लिए जो व्यवस्था अपनाएंगे आप इसी को बोलते हैं आप ऑब्लिक टेनन ज्वाइंट अच्छा अगला है मोटाइस एंड टेनन ज्वाइंट क्या नाम है इसका मोटाइस एंड टेनन ज्वाइंट यही ज्वाइंट सबसे सामान्य तौर पर हम प्रयोग करते हैं

इसमें ले आकर इस तरह फिट कर देते हैं इसमें ले आकर इस तरह फिट कर देते हैं आप इसी जोड़ को बोलते हैं एंड एंड क्या बोलते हैं दिस इज मेंबर टू और दिस इज मेंबर वन आप इसी जोड़ को बोलते हैं मोटाइज एंड टेन द्वाइंट ठीक है क्या बोलते हैं मोटाइज एंड टेनवाइंट हां भाई फिगर वाला क्वेश्चन आएगा सर जे में दो चार ठीक है तो इसे बोलते हैं मोटाइज एंड टेन एन ज्वाइंट सामान्य तौर पर आप जनरली आपने कहा था ना जनरली और मोस्टली में कुछ डिफरेंस है तो मैं यही लिख रहा हूं मोस्टली वी यूज दिस वन मोस्टली हम इसी तरह के दिसंट का यूज करते हैं मोस्टली हम इसी तरह के ज्वाइंट का भी यूज करते हैं और इस ज्वाइंट को हम नाम देते हैं आ? इस ज्वाइंट को क्या नाम देते हैं भाई इस ज्वाइंट को हम नाम देते हैं मोटाइज एंड टेन एन ज्वाइंट तो इसके बारे में तो आप जानते रहिएगा कि यह मामला ऐसा चलता है ठीक है अब आपको कुछ और पूछना हो तो आप जरूर पूछ सकते हैं अदरवाइज हम अपने अगले टॉपिक पर मूव करेंगे और अपना अगला टॉपिक जो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक वो अपना अगला टॉपिक क्या है सर अगला टॉपिक है कि कितने तरह के हिंज प्रोवाइड किए जाते हैं किसी भी डोर सटर को फ्रेम से जोड़ने के लिए कितने तरह की हिंज व्यवस्था प्रोवाइड करते हैं तो डोर सटर हो डोर सटर हो या विंडो का सटर हो या वेंटिलेटर का सटर हो यामि अच्छा थैंक यू मैम आप भी हैं सेशन में ठीक है थैंक यू थैंक यू सो मच इधर चलते हैं क्या मामला है भाई कितने तरह के हम हिंज प्रोवाइड करते हैं विंडो में वेंटिलेटर में या डोर में अगर इनकी बात करें यानी आप ये कहिए कि सर ये रही हमारी फ्रेम किसी दरवाजे की जिसे आप क्या बोलते हैं फ्रेम बोलते हैं या दूसरा क्या नाम है इसका सर इसका दूसरा नाम क्या है इसके दूसरे नाम को आप किस नाम से जानते हैं चौखट किस नाम से जानते हैं चौखट इस चौखट का कौन सा पोर्शन दिस इज द हेड पोर्शन इसे क्या बोलते हैं पोस्ट बोलते हैं इसे भी क्या बोलेंगे पोस्ट बोलेंगे अच्छा ये जो बॉटम पोर्शन दिख रही है इसे सिल बोलते हैं और इसी में आप दरवाजा फिट करते हैं तो दरवाजे को इसके साथ अटैच करने के लिए सर यहाँ कुछ ना कुछ तो बांधने के अरेंजमेंट लगाने पड़ेंगे ना तो बांधेंगे कैसे यही अरेंजमेंट किस नाम से जाना जाता है हिंज के नाम से जाना जाता है किसके नाम से जाना जाता है हिंज के नाम से ठीक है हाँ किसके नाम से जाना जाता है हिंज के नाम से जाना जाता है और इस हिंज की बात करें हम तो भाई हिंज की बात करें तो आपने क्या बता रखा है कि सटर को फ्रेम या चौखट से जोड़ने के काम आता है और बताया कि इस हिंज का साइज कितना लेकर चलेंगे तो आपने बताया था कि सर हिंज जो हम प्रोवाइड करते हैं ये हिंज यहां हम देख रहे हैं कि ये हिंज हम यहाँ प्रोवाइड करेंगे इस हिंज का साइज कितना लेकर चलेंगे आपने बताया कि साइज पचास से एक सौ पचास एम लेकर चलते हैं और आपने फिर बताया कि हिंज कितने टाइप के हैं तो पहला बताया पार्लियामेंट्री हिंज दूसरा बताया आपने गार्नेट हिंज तीसरा बताया स्ट्रैप हिंज चौथा बताया बट हिंज और पांचवा बताया राइजिंग बट हिंज इतने प्रकार के हिंज होते हैं लेकिन इन पर एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता आता है 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 इन पर 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 एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है? थोड़ा हम इस बात पर चलें। अगर इस बात बात अगर तो हमसे पूछा जाता है कि कौन सा हिंज कितने डिग्री तक रोटेट कर सकता है तो पार्लियामेंट्री हिंदी सॉरी वन 180 डिग्री गार्नेट नाइन बट हिंज नाइनटी स्ट्राइप हिंस वन एटी डिग्री तो इनके बारे में पूछा जाता है कि कितने डिग्री तक ये रोटेट कर सकते हैं ठीक है समझ गए भाई अरे भाई क्या हो गया आप लोग कमेंट बॉक्स में क्या ही उधम मचा रखे हैं? हाँ, अच्छा ठीक है अरे भाई लाइक वाइक कर लीजिए मैम भी कह रही आप लोग भी समझिए तो दिस इज़ द कंटेंट अब यह मामला ऐसा है तो आप समझ पाएंगे कि हम कितने तरह के जोड़ और कितने तरह के हिंज प्रोवाइड करते हैं आपको समझ में आ गया होगा जनरली इन सारे हिंज के आपने आपके लिए मैंने सारे हिंज के फिगर लगभग निकाल कर रखे हैं ताकि आप देख पाए और समझ पाए ये पहला हिंज आ? इसे बोलते हैं ब्लैक फ्लैप हिंज सबसे सामान्य तौर पर आप कौन सा इस्तेमाल करते हैं अपने घरों पर ये बट हिंज यही इस्तेमाल करते हैं आप अच्छा दूसरा क्या है काउंटर फ्लैप हिंज तीसरा कौन सा है गार्नेट हिंज चौथा नियर मेडल हिंज आ? इसे बोलते हैं और अगला कौन सा पार्लियामेंट्री हिंज नेक्स्ट वन स्ट्रैप हिंज अगला कौन सा है डबल एक्टिंग स्ट्रैप अगला कौन है स्प्रिंग हिंज अगला राइजिंग हिंज आ? और अगला पिन हिंद आपके घर में कौन सा इस्तेमाल होता है में से आप थोड़ा ड्यूटी वाले लोग भी हमें देखते हैं आ? लग तो रहा है कि अब देश के विकास में हमारा भी कुछ योगदान होगा हम्म चलो धन्यवाद तो ये मामला यहाँ है तो ऐसी स्थिति जो हम देख पा रहे हैं इतने तरह के हिंज हम आप जनरली इस्तेमाल करते हैं कमेंट बॉक्स में मुझे मेंशन करके बताइए कि आपके घरों पर सामान्य तौर पर आप कौन सा हिंज इस्तेमाल करते हैं कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए अच्छा दो नंबर वाला दिस इज सर्कुलर जो मैंने पहले ही मार्क कर रखा है कि आप इस्तेमाल करते हैं ठीक है तो आप जनरली यही जो इस्तेमाल करते हैं यही हिंज इस्तेमाल करते हैं कमेंट बॉक्स में बताते रहिए जो लोग नहीं जानते हैं, वो बताए वो भी बताए कि सर कौन सा हम इस्तेमाल करते हैं तो ये मामला तो हमने आपको हिंजिस के बताए और नेक्स्ट टॉपिक जो देखेंगे वो है कि कितने तरह के लॉक अरेंजमेंट हम प्रोवाइड करते हैं लॉक अरेंजमेंट जानते हैं आप लोग लॉक अरेंजमेंट के बारे में अगर बात करनी हो तो आप जानते हैं कि दरवाजे को लॉक करने के लिए या फिर डोर को लॉक करने के लिए लॉक करने के लिए भी हम अरेंजमेंट प्रोवाइड करते हैं और इनमें जो हम लॉक प्रोवाइड करते हैं उनका नाम है बोल्ट क्या नाम है बोल्ट अच्छा तो पहला जो प्रोवाइड करते हैं इसे बोलते हैं एल ड्रॉप बोल्ट क्या बोलते हैं एल ड्रॉप बोल्ट सबसे सिंपल फॉर्म यही है इसे क्या बोलेंगे आप एल ड्रॉप बोल्ट अच्छा दूसरा है बैरल बोल्ट क्या है बैरल बोल्ट तीसरा क्या है फ्लस बोल्ट अच्छा फिर से फिर से आई अगला जी और अगला ये इतने नाम जो देख रहे हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये करके बताइए कि आप अपने घर में कौन सा सामान्य तौर पर लॉक देखते हैं और आई नो दैट कि आप ये वाला बताएंगे और ये वाला बताएंगे कि आपने अपने घरों में जनरली यही इस्तेमाल होते देखा है तो मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए और बल्कि अपने साथ वाले लोगों से भी पूछिए कि सामान्य तौर पर अपने घर में कौन सा इस्तेमाल करते हैं ठीक तो, है और डोर हैंडल्स में अगर चले आए तो डोर में जो हैंडल्स हम लगाते हैं फॉर ओपनिंग पहला आता है टाइप दूसरा आता है टाइप दो आते हैं टाइप के अच्छा टाइप के बाद तीसरा देखने को मिलेगा आपको अगला देखते हैं हाँ अगला देखते हैं लीवर हैंडल हाँ लीवर हैंडल के बाद डोर हैंडल और फिर लीवर हैंडल ये अलग अलग शेप जो दिखाई देते हैं आप इन तरह के हैंडल्स इस्तेमाल करते हैं थोड़ा कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि, कि किस प्रकार का डोर हैंडल आप अपने घरों में सामान्य तौर पर देखते हैं इनके बारे में ये फिगर्स वगैरह इसलिए दिखाकर बता रहा हूं क्योंकि आगे चलकर इन पर डीप में डिस्कशन होगा एक नई सीरीज में ताकि आप इन प्रश्नों को समझ पाए इन बातों को समझ पाए दिस इज द जस्ट अ ट्रेलर कि आगे चलकर पिक्चर कैसे होने वाली है वो आपके लिए बड़ी ही मजेदार होगी पिक्चर और बड़ी ही कॉन्सेप्चुअल होगी तो अभी तो आप इनके नाम वाम जानते रहिए और आई होप कि आपने पूरी कहानी अभी तक बेहतर तरीके से समझी होगी जानी होगी और ये भी बताएंगे मुझे कि सर कितने टाइप का हम लोग लॉक प्रोवाइड करते हैं जनरली तो जनरली जो हम लॉक प्रोवाइड करते हैं वो लॉक है मोटाइस लॉक एक ये देखते हैं रिम लॉक अच्छा पैड लॉक ये तो जनरली आप अपने घरों में इस्तेमाल ही करते हैं लीवर हैंडल लॉक और कप बोर्ड लॉक इतने प्रकार के लॉक प्रोवाइड करते हैं थोड़ा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए सर आप ऑफलाइन पढ़ाते हो विजयपाल निर्मल बिल्कुल सर हम ऑफलाइन पढ़ाते हैं और ऑफलाइन हम इंजीनियर्स एकेडमी में पढ़ाते हैं ठीक है इंजीनियर्स एकेडमी में ही पढ़ाते हैं ठीक है चलिए तो आपके सवाल का जवाब भी मैंने आपको दे दिया दिस इज द थिंग जिसके बारे में हम बात कर रहे थे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताओ कि साहब कौन सा कौन सा वाला लॉक आप अपने घरों में जनरली इस्तेमाल करते हैं अच्छा पैड लॉक ताला हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो आप जनरली यही इस्तेमाल करते हो जनरली आप यही इस्तेमाल करते हो ठीक है तो दिस इज द दिससेप्ट जिसके लिए हम लोग इतनी देर से बात कर रहे थे कि क्या क्या टर्म्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं अब एक टॉपिक आता है कि, कि किसी डोर और किसी विंडो को हम किस तरह से डेजिग्नेट करते हैं इनके लिखने का क्या तरीका है तो साब ऐसा है ना दो तरह के डोर बनाते हैं हम लोग एक तो टिम्बर फ्रेम वाले यही तो हम पढ़ रहे थे अभी तक जो पढ़ रहे थे टिम्बर फ्रेम वाले ही मोस्टली पढ़ रहे थे अगर इसमें डी लिखा तो डोर है वी लिखा तो वेंटिलेटर डब्ल्यू लिखा तो विंडो लेकिन अगर ऐसे लिखा तो सिंगल सटर और टी लिखा तो डबल सटर मतलब मैं अगर ऐसे लिख दू डी टी हाँ टिम्बर डोर के लिए मैं ऐसे लिख दू डी तो डी डिनोट फॉर टिम्बर टिम्बर डोर और टी डिनोट फॉर टी किसके लिए डबल सटर मतलब दो पल्ले वाला जो दरवाजा होगा उसके लिए क्या लिखेंगे नोटेशन डी टी लिखेंगे हाँ अच्छा वहीं अगर मुझे लिखना हो मैं ऐसे लिख दू डी मतलब एक दरवाजे वाला यानी एक पल्ले वाला एक पल्ला मतलब एक सटर वाला दरवाजा मैं ऐसे लिख दू डब्लू टी तो क्या होगा सर दो पल्ले वाली विंडो है दो शटर वाली विंडो अब समझ पाए कितना भाई दो शटर वाली विंडो अब विंडो ठीक है विजय पाल निर्मल बिल्कुल भाई विजय पाल निर्मल जी हम बिल्कुल यही प्रताप नगर में ही पढ़ाते हैं ठीक है चलिए ठीक है भाई तो ये मामला हो गया अगली बात करते हैं स्टील एंड कंपोजिट फ्रेम अगर स्टील या कंपोजिट फ्रेम के हम बनाए तब के लिए क्या मामला है तो अगर पी की बात करें तो ये पी टर्मोलॉजी जो है ये प्री स्ट्रेस स्टील फ्रेम को बताती है सी सेंटर हिंज सटर को बताती है एफ फिक्स्ड ग्लास पैन को बताती है और एच हॉरिजेंटल ग्लेजिंग एन विदाउट होरिजेंटल ग्लेजिंग टी टॉप हंग सटर और अगला कौन सा एस साइड हंग सटर अच्छा तो अगर आप कहीं देखें आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि इलेवन डी तो इलेवन डी का क्या मतलब है सर डी डिनोट फॉर क्या बता रहा है डोर अच्छा टी डिनोट फॉर डबल सटर क्या बता रहा है डबल सटर क्या बता रहा है डबल सटर बात समझ रहे हो लेकिन ये इलेवन जो लिखा है सर ये इलेवन बता रहा है इसकी विथ क्या बता रहा है विट्थ और ये हमेशा दस के मल्टीपल में लिखी जाती है कितने के मल्टीपल में दस अगर मतलब कितना लिखा है इलेवन लिखा है तो इसका मतलब एक सौ दस सेंटीमीटर है कितना है एक सौ दस सेंटीमीटर चौड़ा दरवाजा है अच्छा ये जो से लिखा है इधर डेटा लिखा है ये बताती है हाइट क्या बताती है हाइट इसका मतलब मैं क्या कहूं अगर ये बीस लिखा है तो हाइट कितनी होगी सर दो हाइट कितनी होगी दो ठीक है हाइट कितनी होगी भाई दो तो आई होप कि अब आपको सारी कहानी समझ में आ गई होगी आप सारी बात हमारी समझ पाए होंगे और आज के लेक्चर सेशन में जुड़ने के लिए धन्यवाद एक बार फिर से आप सबको नेक्स्ट डे हम लोग फिर से मिलेंगे और अपने नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे और अपना अगला टॉपिक जो होगा वो टॉपिक में हम लोग कहीं फ्लोर या रूफ इनके बारे में चर्चा कर रहे होंगे ठीक है तो ऐसा मामला चलता है जो आपने पढ़ा है आज और अब नेक्स्ट लेक्चर सीरीज में हम लोग अगले टॉपिक पर बात करेंगे चलिए धन्यवाद वंस अगेन थैंक यू पीडीएफ के लिए आप उस ग्रुप में जुड़ जाइएगा मैंने आपको ग्रुप की लिंक प्रोवाइड कर दी ना मिले आपको तो आप इस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा इस नंबर से आपको ग्रुप की डिटेलिंग मिल जाएगी ये नंबर आप नोट कर लीजिएगा इस नंबर पर कॉल करके आप अपनी पीडीएफ वगैरह की रिक्वायरमेंट बता सकते हैं ठीक है चलिए थैंक यू वंस अगेन